इंडियन एयरफोर्स इस साल के अंत तक अपने बेड़े में घातक मिसाइल एस्ट्रा को शामिल कर सकती है। IAF ने इसे बनाने वाली कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। इस मिसाइल की स्पीड और सटीक निशाना ऐसा है कि चाइना और पाकिस्तान अभी से इसे लेकर परेशान हैं। जानते हैं इस मिसाइल की ताकत। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज हमला करने में सक्षम है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट देख सकता है उसके बाद भी सटीक निशाना लगाने में माहिर है। हाल ही में तेजस फाइटर जेट से इसकी फायरिंग की गई। तेजस फाइटर जेट ने 20,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइल दागी जो टारगेट पर जाकर सटीकता से लगी। अस्त्र मिसाइल फिलहाल ट्रायल फेज में है, लेकिन इसकी ताकत की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगाया गया है, यानी ये मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है, वो कितना भी दाएं बाएं हो उससे टकरा कर फट जाती है, या फिर जैसे ही टारगेट तय दूरी से नजदीक आता है ये विस्फोट कर जाती है। अस्त्र मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है, लंबाई 12.6 फीट है, व्यास 7 इंच है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रेगमेंटेड HMS हथियार लगा सकते हैं। ये मिसाइल अपने साथ 15 kg का हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल में ड्यूअल थ्रस्ट पल्स रॉकेट मोटर लगा है जो इसे ज्यादा तेज स्पीड देता है। अस्त्र मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है, ये ज्यादातर 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे घातक बात इसकी स्पीड है। ये 5,556 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर जाती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलेगा। अस्त्र मिसाइल की खासियत ये भी है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि ये फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है, यानी इसमें हम डेटा लिंक के जरिए निर्देश देकर मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं। अभी इस मिसाइल के पहले वेरिएंट को MiG-29 UPG या MiG-29K Sukhoi-30 MKI Tejas-MK Tejas-MK-1 में लगाया गया है। भविष्य में इस मिसाइल को Tejas-MK-2 और Tech-BF फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना पुरानी माइका मिसाइल की जगह स्वदेशी अस्त्र पर भरोसा जता चुकी है।